ਸ਼ੱਕ ਅੱਖ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਤੇ ਅੱਖ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿਆ ਵਾਰ ਤੁਮਨੇ तो लेट मी सो यू कि इसको विदाउट चाबी की कैसे चालू करते हैं। पहले तो आपको गियर को कर लेना है न्यूट्रल, आपका ट्रैक्टर चालू हो जाएगा विदाउट चाबी के विद जस्ट पाना। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? जो करो तुम बका चुके हो मेरे मम्मी। What is up everyone, this is Wahid Himdo, back again with the new vlog. I hope you guys are all the way fine. So basically guys, अभी आपको पता ही होगा मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, guess करो। हाँ सही पकड़े हो, तो अभी मैं जा रहा हूँ डीजल लेने के लिए। तो चलिए जल्दी से डीजल लेके आते हैं, और आज अपने लिए खेत में काफ़ी सारे काम है। पहली चीज़ तो सरसों कटनी है, और दूसरी चीज़ जो अपना थ्रेसर है वो चौका चलने जाना है किसी दूसरे के खेत में, तो उसको भी किया। तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगा खेत से थ्रेसर उठा के लाऊँगा। अपना जो दोनों एक थ्रेसर है वो रखा है खेत में, एक रखा है घर पे, अपन कल ले गए थे, और तो अपने लिए उसको उठा के लाना है खेत से। अभी तो अपन चलते हैं जल्दी से डीजल लेके आते हैं, फिर चलते हैं घर पर, क्या कैसी क्या कंडीशन है बाकी मैं आप लोगों के लिए दिखाऊँगा। तो अभी तो लेट्स गो। तो अब इसके अंदर जल्दी से डाल देते हैं डीजल, उसके बाद कुछ और करेंगे। तो इसमें डीजल भी डल गया है, और यहाँ पे एक मशीन लगी थी जो कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखी होगी, ये नट लगे हैं वो भी अपन ने खोल लिए। इस ट्राली को लेके चल रहा है खेत पे, ट्राली को खेत में खोल के आएंगे और थ्रेसर वहाँ से लेके आएंगे। बना गए खेत, और ये पाइप खोल के अपने लिए उस साइड जाना है, तो मोटर बंद करने के लिए तो मैंने ऑर्डर दे दिया है। और एज़ यू कैन सी आवर ऑनियन, तो अब अपन आ चुके हैं अपने खेत। तो और जल्दी से खोलते हैं ट्राली और अटैच करते हैं थ्रेसर और घर पर लेके चलते हैं, और फिर खाना आना खाएंगे और फिर बाकी का दिन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तो मैं ट्राली यहाँ पर साइड में लगा दे रहा हूँ, ताकि जो अपने लेबर्स आएंगे वो डायरेक्ट इस ट्राली को भरना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये भूसा हमें घर पे भी ले जाना है। तो अभी तो खोलते हैं ट्राली को। ऑल सेट गाइस, तो थ्रेसर हो गया अटैच, अब लेके चलते इसको घर पे। लेट्स गो। ओका हो गई रे, नो प्रॉब्लम, कर दे भाई ये मोटर चालू। तो अभी अपन वेट कर रहे हैं अपने ड्राइवर का, और मुझे लगी काफ़ी ज़्यादा भूख, बिकॉज आई हैवन टेकन अ बाइट फ्रॉम अ मॉर्निंग, और यहाँ तक अभी तक यानी कि अभी 10 बज गए हैं मॉर्निंग के। इतने में तो मैं शायद 2 मील ले लेता था, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं खाया है जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क। तो अब जल्दी से ड्राइवर को बुलाते हैं, वो भी बोल रहा है भाई खाना खा रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। तो ठीक है, उसको तो अभी 5-10 मिनट लगेंगे, तो उसको लेके फिर चलेंगे घर पे, खाना आना खाएंगे, फिर वापस आएंगे खेत, और जो भी आज का काम है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो डॉक्टर बिमलेश भी आ चुके हैं, क्या कह रहे टैंकर धरे जाने जो यार थ्रेसिंग करवा ले, चाहे टैंकर धरा ले का मतलब हमें। अब चल दे खाना खुना खा के आंदे सीखे। ऑल सेट गाइस, तो खाना आना तो मैंने खा लिया है, अब अपन जाने वाले इस ट्रैक्टर को लेके चौका, और जो अपना ड्राइवर आया था बिमलेश वो चला गया दूसरा ट्रैक्टर लेके चौका। तो हम इस ट्रैक्टर को लेके जाएंगे, ये वाला ट्रैक्टर बिमलेश को दे देंगे, वो वाला ट्रैक्टर अपन घर पर ले आएंगे, और इसकी चाबी भी बिमलेश ही लेके गया है। ठीक है, तो अब अपने लिए इस ट्रैक्टर को करना पड़ेगा डायरेक्ट चालू। तो लेट मी सो यू कि इसको विदाउट चाबी के कैसे चालू करते हैं। पहले तो आपको गियर को कर लेना है न्यूट्रल, उसके बाद एक कुछ भी कोई भी लोहे का पाना आना निकाल लेना है। हाँ जय बज्जा, फिर इस टाइप से सेल्फ के पास आ जाना है, यहाँ पे सेल्फ और ये जो ऊपर वाले दो हैं मे बी आपको दिख रहे होंगे, इनमें कुछ इस टाइप से इनको शॉर्ट करा देना है। आपका ट्रैक्टर चालू हो जाएगा विदाउट चाबी के विद जस्ट पाना। तो लेट्स गो।
ट्रैक्टर गाइस, तो मैंने ट्रैक्टर ट्रैक्टर तो चालू कर लिया था और अब मैं लेके जा रहा था, बट मैंने यहाँ पे देखा कि जो शाफ्ट रहती है जो ट्रैक्टर को थ्रेसर से कनेक्ट करती है वो इसके अंदर नहीं है। तो अब मैंने पापा को कॉल किया है कि शाफ्ट लेके आ जाओ, तो अब वो शाफ्ट लेके आएंगे, उसके बाद अपन वापस चलेंगे। तो शाफ्ट आ चुकी है, नाउ वी आर रेडी टू गो। फिर से ट्रैक्टर वैसे ही करना होगा चालू। अभी जिस जिसको समझ में नहीं आया मैं फिर से एक बारी फिर बता देता हूँ। कोई भी लोहे का पाना लेना है और यहाँ पे ये दो, एक दो, ये दो रहती हैं, इनको शॉर्ट करा देना है। जाओ दादा जाओ, बैठ जाओ, हेल्प अदर्स। गाइस वी रीच्ड अवर डेस्टिनेशन और मुझे ये इस ट्रैक्टर का ऐसा लग रहा है जैसे इसका फिल्टर चोक हो, क्योंकि जब मैं इसको जब मैं इसको स्पीड में चला रहा था तो इसमें ऐसी स्मेल आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है। हम लगा रहे हैं, रुक जाओ। तो अपन इस फिल्टर को खोल के इसको साफ़ कर देते हैं। मेरे पास एक फिल्टर साफ करने की ट्रिक है, वो तो मेरे पास एक फ़िल्टर साफ़ करने की ट्रिक है, मैं उसके थ्रू साफ़ करूँगा। बट उसके थ्रू करना तो नहीं चाहिए, मैं करूँगा साइलेंसर के थ्रू। साइलेंसर से कार्बन निकलती है तो हमें उसके थ्रू करना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी कंप्रेसर वगैरह नहीं है तो अपन उसी से करेंगे। तो हमें जा बताओ, 12 साल तुम स्कूल में पढ़ा थो, मात्र 40-50-60 हज़ार की नौकरी के लाने, तो साल दो साल अगर तुमने ये पे मेहनत कर लाई कौन सी बार गया, पूरे दिन थोड़ी करने, दिन में 20-25 मिनट और रात के 1-1.5 घंटा एडिटिंग में लगा थे सुधारे में, नौकरी के तूने मिले हो तक नहीं मिले हो नाव मिले जहाँ जे हो। अब हम दिख जाते उरी गए थे, आदमी मिले यार कहने बस जाओ तुम्हें जाना था यार, हम तुम्हारी वीडियो देखा इतनी खुशी भाई कहा बता, वीडियो देखे रोता ही मजा आने लगा। नहीं जो है? वो तो है, हमें क्या सो के पैसा मिला थे हर महीने आप मिला थे और वोट आप मिला थे भरपेट। अबे इतने चाहे ने मानो पहले मेहनत करने पर वीडियो चले फिर बिछाओ और तिरपाल मेरे पास सेट। गाइस तो काम हो चुका है स्टार्ट, थ्रेसिंग चल रही है त्योरा की। सेट गाइस तो ये इनका काम होने वाला है ख़त्म, फिर हमें जाना है वहाँ पे, इन्हीं का काम और है। तो आप देख सकते हो 1 घंटे चला है और त्योरा बहुत अच्छा निकलता है, एज यू कैन सी ये हो गए होंगे 25-30 बोरी। बेसिकली गाइस इनको पहले करनी थी उसकी क्या बोलते हैं अरे यार त्योरा, पहले इनको करनी थी त्योरा की थ्रेसिंग, अब इनको करनी है मसूर की थ्रेसिंग। तो ये जो जाली है ये जाली बदलनी पड़ेगी, और जो मोटी वाली जाली है मोटे वाले होल की इसको निकालना पड़ेगा, तो ये दो नट खोलने पड़ेंगे और इस जाली को निकालना पड़ेगा और इस वाली जाली को डालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत समय लगा था तुमने, साफ कर ले तो सही रहेगा। तो ये चेंज हो गई है और ये पतले होल वाले डाल दी है। ऑल सेट गाइस, तो थ्रेसर फिर से चालू करवा दिया है, बाय बाय बाय। और अभी जॉइंट ट्रैक्टर लेके चलते हैं घर पे। होए 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 अब इसको लेके चलते हैं घर पे, तो लेट्स गो। अब मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा खेत, पहले घर पे पानी पीऊँगा उसके बाद जाऊँगा खेत, तो लेट्स गो। पा गई इसी के घरे, अरे पानी वानी दे दो।
ऑल सेट गाइस, तो रिचार्ज इज डन, लेट्स गो। मम्मी चलते तुम, ए मम्मी तुम चलते का। ऑल सेट गाइस, तो अब अपन आ चुके हैं अपने खेत, और एज यू कैन सी जो पीछे ट्राली है इसके अंदर भरा है भूसा, और जब मैं वहाँ पे था इन लोगों ने इस ट्राली को कर लिया लोड, तो अब बस अपन इस ट्राली को लेके चलने वाले हैं घर पे, और साथ में अपन उन लोगों को भी ले लेंगे लेबर्स को। तो अभी तो चलते हैं, लेट्स गो, है ना? लेट्स गो, हाँ चलो, लेट्स गो, नहीं दादा लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। चना खा लिया है, जैसी हुआ है चना, होगा तो ना हम लोग भूसा लेके आ गए हैं घर पे, और ये लोग इसको यहाँ पे खाली करेंगे जहाँ पे सीमेंट खाली हुई थी, इसके उस साइड और भी अंदर की तरफ जगह है, तो इसको यहाँ से ले जाके अंदर भर देंगे। और अब मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँगा।